नमस्कार दोस्त, मैं हूं विनायक सुर्वे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साईनाथ मोटर रिवाइडिंग। आज हम सीलिंग फैन के कनेक्शन निकालना सीखेंगे। ये जो मेरे सामने स्टेटर है वो हाई स्पीड सीलिंग फैन का स्टेटर है और इसका हम आज कनेक्शन करना सीखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्शन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्त, आप जो मेरे सामने स्टेटर देख रहे हो वो हाई स्पीड सीलिंग फैन का स्टेटर है। इसकी जो वाइंडिंग है वो उमंग मशीन ऑटोमेटिक फैन वाइंडिंग मशीन पे मैंने वाइंडिंग किया है और इसका भी वीडियो मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे लाऊंगा। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं, किसी भी सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो बाहर में निकले हुए दो वायर है वो रनिंग वाइंडिंग है और जो अंदर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो दोस्तों, अच्छी तरह से इसमें स्लीव फंसाना है और उसके बाद उसके ऊपर जो कलर का कोटिंग है वो ब्लेड के मदद से निकालना है। और कनेक्शन बाहर निकालने के लिए हमको वायर लगेगा, वो आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। मैं ब्लैक कलर और रेड कलर यूज करूँगा। सबसे पहले हम रनिंग वाला एक सिरा उठाएंगे। जो हमने वाइंडिंग करते समय पहला सिरा है उसको उठा के इस वायर के साथ उसका अच्छी तरह से कनेक्शन करेंगे। और ये जो वायर है वो हमारा ब्लैक वाला वो कॉमन रहेगा। आप किसी भी कलर का वायर कॉमन कर सकते हो। इसे अच्छी तरह से ऐसे इसको लपेटना है जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन बहुत ही अच्छा निकलेगा। और इसको लगा देने के बाद हमको जो स्टार्टिंग वाला सिरा है उसको भी इसके साथ लिपट लेना है, अच्छी तरह से कनेक्शन करना है। ये जो वायर है हमारा वो कॉमन रहेगा, इसके लिए इसको ब्लैक कलर का वायर लगाया है। अच्छी तरह से कनेक्शन मारना है और ये कनेक्शन मार के हमारा रेडी हो गया। उसके बाद दो सिरे बचे हैं हमारे, एक स्टार्टिंग वायर का और एक रनिंग वायर का। इसको हम रेड कलर का वायर यूज करेंगे जिसमें हमको पहचानने में बहुत ही आसान जाएगा कनेक्शन बाहर निकालने के बाद। और इसको भी अच्छी तरह से कनेक्शन मार लेना है। अच्छी तरह से कनेक्शन मारने के बाद इसमें हम दो प्रकार के स्लीव लगाते हैं। जो हमने पहले स्लीव लगाया वो एक नंबर का स्लीव है और जो इसके ऊपर लगाएंगे वो दो नंबर का स्लीव है। और ये रनिंग वायर, इसको भी इस वायर के साथ जोड़ देंगे। ऐसे अच्छी तरह से जोड़ना है इसको जिसके वजह से हमारा कनेक्शन शॉर्ट नहीं होगा। और उसके बाद दो नंबर का स्लीव, ये जो स्लीव मैं यूज कर रहा हूँ वो दो नंबर का स्लीव है। इसको इसके माप के साइज के काट लेना है। जो ब्लैक वाला वायर है वो कॉमन है और दो जो हमने लगाए वो स्टार्टिंग और रनिंग है। इस पे हम कनेक्शन करने के बाद जिस पे सीधा फैन फिरेगा वो हमारा रनिंग वायर होगा। अच्छी तरह से स्लीव इसमें फंसाना है। स्लीव फंसाते हुए एक चीज ध्यान में रखने की है जिसको ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे होंगे इस अच्छी तरह से ऐसे इसको फंसा लेना है। इसको फंसाने के बाद हम कनेक्शन देख रहे होंगे, हमारा कनेक्शन निकल के रेडी हो गया और इसको हम बांध लेंगे। आप धागे से ही बांध सकते हो और मैं ये इस पट्टी का यूज करता हूँ बांधने के लिए जिसकी वजह से कनेक्शन बहुत ही अच्छे फिट बैठते हैं। ये
₹10 में 20 आती है ये पट्टी, और आप इसके जगह धागे का भी यूज़ कर सकते हो। देख रहे होंगे कितने अच्छी तरह से कनेक्शन हमारा रेडी हो गया, और इसको हम अभी काट लेंगे थोड़ा सा, और दूसरी जगह पे भी बांधेंगे इसको। आप धागे से भी बांध सकते हैं इसको। और हमारा कनेक्शन निकाल के रेडी हो गया। दोस्तों, आपने ऐसा कनेक्शन निकाला कि फैन बहुत ही अच्छी तरह से घूमेगा और सर्विस भी बहुत देगा। और दोस्तों, हमारा कनेक्शन निकाल के रेडी हो गया, देख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कनेक्शन निकालना सीख गए होंगे। देखो कितना अच्छा कनेक्शन दिख रहा है हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।